नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अस्थि और उपास्थि में अंतर। जैसे कि प्रश्न है, अस्थि और उपास्थि में अंतर लिखिए। उत्तर है, अस्थि और उपास्थि में निम्नलिखित अंतर हैं। एक साइड लिखेंगे अस्थि और दूसरी साइड लिखेंगे उपास्थि। पहला अंतर है, अस्थि कठोर होती है। अस्थि कठोर होती है, उपास्थि मुलायम होती है। उपास्थि मुलायम होती है, अस्थि कठोर होती है और उपास्थि मुलायम होती है। दूसरा अंतर है, इनकी एक गर्तिका में एक कोशिका पाई जाती है। अस्थि की एक गर्तिका में एक कोशिका पाई जाती है। इनकी एक गर्तिका में एक से चार तक कोशिकाएं पाई जाती है। उपास्थि की एक गर्तिका में एक से चार तक कोशिकाएं पाई जाती है। तीसरा अंतर है, इनका मैट्रिक्स ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। अस्थि का मैट्रिक्स ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। इनका मैट्रिक्स कोंड्रिन नामक प्रोटीन से बना होता है। उपास्थि का मैट्रिक्स कोंड्रिन नामक प्रोटीन से बना होता है। चौथा अंतर है, इनमें रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अस्थि में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। इनमें रुधिर कणिकाओं का निर्माण नहीं होता है। उपास्थि में रुधिर कणिकाओं का निर्माण नहीं होता है। पांचवा अंतर है, अस्थि अंदर तथा बाहर दोनों तरफ से वृद्धि करती है। अस्थि अंदर और बाहर दोनों तरफ से वृद्धि करती है। अस्थि अंदर और बाहर दोनों तरफ से वृद्धि करती है। उपास्थि की वृद्धि सतह से होती है। उपास्थि की वृद्धि सतह से होती है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।